वंदाता बीचा मारिया प्रणाम करते अपने को देखा प्रभु अपना आत्मा हरे मन में भर डर और पाप और शंका दूर तू हमसे कर यूं हम साहस पाके जाए अपनी राह और सनातन देव की देखते रहे धन्य हो परमेश्वर धन्य पुत्र हो जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड द गॉड इज आवर लॉर्ड इज गुड गॉड इज गुड एंड वर्दी टू बी प्रेस्ड परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है और वो भला है वो अच्छा है और वो हमारी आराधना के गीतों के योग्य है और हम सब आनंदित हैं कि हम इस माध्यम से आप सबके साथ जुड़कर वी कैन ऑल वर्शिप द लॉर्ड। ये बहुत अच्छी बात है और हमने कुछ गीतों को लिया है कि हम इन गीतों को गाने के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करें। सो एंजॉय दीज सॉन्ग्स विद अस एंड सिंग देम टू द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड वी गोइंग टू जस्ट बिगिन विद प्रेयर एंड देन वी विल वर्शिप द लॉर्ड थ्रू दिस सॉन्ग्स एंड थ्रू म्यूजिक। लेट्स प्रे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि हम प्रभु आपकी आराधना एक बार फिर से मिल के कर सकते हैं। प्रभु, यही हमारे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है क्योंकि आपके प्रभु प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में प्रभु जी आनंद की भरपूरी है। प्यारे परमेश्वर, आपके कदमों में हमें शांति, आराम और आनंद मिलता है। प्यारे परमेश्वर, हम आज की सुबह कलीसिया मिलकर इन गीतों के ज़रिए से आपकी आराधना करना चाहते हैं और आपके वचन से सुनना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और वो आशा जो आपने हमें दी है क्योंकि आप जीवित हैं, उस आशा से हम एक बार फिर से प्रभु हिम्मत और आशा पाना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु इस समय में हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, आप हर एक परिवार में उतर आए प्रभु कि हम सब एक आत्मा में होकर आपकी आराधना करें। परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे और हर एक रुकावट चली जाए और हम पूरे ध्यान से, पूरे तन मन से प्रभु हम आपकी आराधना करने वाले हो जाएं। हमारे साथ हो, हमारे ऊपर बना रहे, तेरा आत्मा हमारे ऊपर मंडराता रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम सब गाएंगे, लेट्स सिंग दिस सॉन्ग, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी। तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा गाते मिलके यीशु नासरी, तेरी बंदगी को चाहते हैं। तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा गाते मिलके यीशु नासरी, यीशु नासरी बंदगी को चाहते हैं। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। हम चाहते तुझको मिले सब स्तुति आदर महिमा, तेरे नाम के आगे झुके हर आदमी का घुटना। तुझको पुकारे नासरी, तुझे देखना हम चाहते हैं, तेरी महिमा गाते मिलके यीशु नासरी,
यीशु नासरी बंदगी को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा गाते मिलके यीशु नासरी तेरी बंदगी को चाहते हैं। आत्मा से हम भरे तेरी स्तुति करके जाएं, जोश में प्रभु हम भरे तेरी सेवा करके जाएं, आत्मा से हम भरे तेरी स्तुति करके जाएं, जोश में प्रभु हम बढ़े तेरी सेवा करके जाएं, सब चीजों से बढ़कर यीशु नासरी तेरे क्रूस को हम चाहते हैं, यीशु नासरी बंदगी को चाहते हैं, तेरे कदमों में आते हम यीशु नासरी, तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा गाते मिलके यीशु नासरी तेरी बंदगी को चाहते हैं, यीशु नासरी स्तुति तेरी करना चाहते हैं, तेरी महिमा गाते मिलके यीशु नासरी बंदगी को चाहते हैं। महान पिता हालेलुया, सचमुच प्रभु आपके पास ही आनंद है, प्रभु जी आपके पास ही जीवन है, यू आर द गिवर ऑफ लाइफ लॉर्ड, हालेलुया, यू आर द गिवर ऑफ जॉय लॉर्ड, यू आर अवर जॉय लॉर्ड, यू आर आर लाइफ एंड वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू गॉड लॉर्ड, देयर मे बी डार्कनेस एंड डेथ अराउंड अस बट यू आर स्टिल द गॉड ऑफ लाइफ एंड बिलीविंग इन यू वी हैव लाइफ, वी बिलीव इट फादर गॉड एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस लाइफ थ्रू योर सन जीसस, प्रभु अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा हमें जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद हो, प्रभु आप महान हैं, हालेलुया, हम आपके फाटकों में प्रवेश करके आपकी आराधना करते हैं, लॉर्ड वी एंटर योर गेट्स एंड वी प्रेज यू एंड वी वर्शिप यू फादर फॉर यू हैव फिल्ड अस विद जॉय एंड ग्लैडनेस एंड इवन इन आवर सफरिंग यू आर विद अस, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे दुखों में तू हमारे साथ बना रहता है, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की, जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की, राजाओं का वो राजा है, प्रभुओं का वो प्रभु है, राजाओं का वो राजा है, प्रभुओं का वो प्रभु है, धरती और आकाश का प्रभु सच्चाई से राज करता है, धरती और आकाश का प्रभु सच्चाई से राज करता है, जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की, जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की, सच्चा चरवाहा वो है, भेड़ों से वो प्यार करता है, सच्चा चरवाहा वो है, भेड़ों से वो प्यार करता है, भेड़िए को देखो उसने अपनी लाठी से भगा दिया है, भेड़िए को देखो उसने अपनी लाठी से भगा दिया है,
जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की। जय जय बोलो, जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की। अपने सारे भक्तों को ले दे, यीशु जल्दी आने वाला है। अपने सारे भक्तों को ले दे, यीशु जल्दी आने वाला है। उठो चलो, हो जाओ तैयार, अपने दियों को जला के रखना है। उठो चलो, हो जाओ तैयार, अपने दियों को जला के रखना है। यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की। जय जय बोलो, जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की। जय जय बोलो, जय जय बोलो यीशु नाम की, सारे जग में महिमा होती यीशु नाम की। तेरा नाम बजू, तेरी स्तुति करूं, तेरा नाम भजूं, तेरी स्तुति करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरा नाम भजूं, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं, तेरा नाम भजूं, तेरी स्तुति करूं। प्रभु तेरे नाम के गीत गाऊं मैं, तेरी महिमा सारे लोगों को सुनाऊं मैं। प्रभु तेरे नाम के गीत गाऊं मैं, तेरी महिमा सारे लोगों को सुनाऊं मैं। तेरे अच्छे कामों का बखान मैं करूं, तेरे अच्छे कामों का बखान मैं करूं। जातियों में तेरी चर्चा भी करूं, तेरा नाम भजूं, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं, तेरा नाम भजूं, तेरी स्तुति, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, हाँ तेरा नाम, तेरी स्तुति करूं। हालेलुया, आ गॉड हैज डन ग्रेट एंड मार्वेलस थिंग्स। हमारे परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, और सबसे बड़ा काम उसने किया कि उसने हमें बचा लिया है यीशु मसीह के द्वारा। ही हैज सेव्ड अस थ्रू हिज सन, बाय हिज सन जीसस क्राइस्ट, एंड वी प्रेज हिम एंड वी थैंक हिम फॉर दैट। एंड वी कैन टेक होप इन द फैक्ट दैट ही हु हैज मेड अस हिज सन्स एंड डॉटर्स विल नेवर लीव अस। वो जिसने हमें अपने बेटा बेटी बनाया है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। हम उसकी आराधना में अपना सारा जीवन बिता सकते हैं। आमीन। लेट्स सिंग द लास्ट सॉन्ग, लेट्स सिंग द लास्ट सॉन्ग विच इज कॉल्ड तेरा धन्यवाद करूं, मुझ पापी को तूने बचाया है, तेरा पाक कलाम सिखाया है। लेट्स सिंग दैट सॉन्ग। बचाया है, तेरा पाक कलाम सिखाया है, मुझे राह पे अपनी चलाया है, मुझे मंदिर अपना बनाया। मुझ पापी को तूने बचाया है, तेरा पाक कलाम सिखाया है, मुझे राह पे अपनी चलाया है,
तुझे मंदिर अपना बनाया है, मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, मेरे पापों का शाप मिटाया है, मेरा पिता से मेल कराया है, मैं तो खोया था दुनियादारी में, मुझे दुनिया से उसने बचाया है, मेरे पापों का शाप मिटाया है, मेरा पिता से मेल कराया है, खोया था दुनियादारी में, मुझे दुनिया से उसने बचाया है, आज बेटा ठहराया उसने, अपने घर का सदस्य बनाया है, मुझे बेटा ठहराया उसने, अपने घर का सदस्य बनाया है, मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, मेरे ध्यान को दुनिया से हटा कर स्वर्ग की ओर लगाया है, मुझे दुनिया की रोटी से बढ़कर भी सीधे स्वर्ग का मन्ना खिलाया है, मेरे ध्यान को दुनिया से हटा कर स्वर्ग की ओर लगाया है, दुनिया की रोटी से बढ़कर भी सीधे स्वर्ग का मन्ना खिलाया है, अपने पुत्र के द्वारा प्रभु ने मुझे अपने राज्य का अंग बनाया है, अपने पुत्र के द्वारा प्रभु ने मुझे अपने राज्य का अंग बनाया है, मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, मैं तो तेरा धन्यवाद, मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं, हाँ मैं तो तेरा धन्यवाद करूं, तेरी जय जयकार करूं। प्रभु ने हमें कितनी बड़ी आशीष दी है प्रभु यीशु मसीह में, व्हाट ग्रेट ब्लेसिंग डू वी हैव, ऑल ऑफ अस एंजॉय, ऑल द बिलीवर्स एंजॉय बिकॉज ऑफ जीसस, एंड देयरफॉर आवर रिस्पांस कैन ओनली बी सरेंडर एंड वर्शिप। परमेश्वर के प्यार का हम क्या हम प्रभु को किस प्रकार धन्यवाद दें, क्या हमारा प्रत्युत्तर होगा, क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा, इट्स जस्ट वर्शिप एंड सरेंडर। गॉड इज वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी ऑफ वर्शिप, एंड वी गोना सिंग द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडेज वर्शिप, तेरी आराधना के गीत हरदम मैं गाता रहूं। लेट्स सिंग द सॉन्ग, हम इस गीत को गाएं, तेरी आराधना के गीत हरदम मैं गाता रहूं। हरदम मैं गाता रहूं, तेरी महिमा के गीत प्रभु सबको सुनाता रहूं, तेरी आराधना के गीत हरदम मैं गाता रहूं,
महिमा के गीत प्रभु सबको सुनाता रहूं। आकाश में है सिंहासन तेरा, पृथ्वी बताए प्रकाशन तेरा। आकाश में है सिंहासन तेरा, पृथ्वी बताए प्रकाशन तेरा। तेरा गरजना भयंकर है, कुदरत में अपनी प्रतापी है तू। तेरा गरजना भयंकर है, कुदरत में अपनी प्रतापी है तू। आराधना की हरदम में गाता रहूं, तेरी महिमा की प्रभु सबको सुनाता रहूं। तेरी आराधना की हरदम में गाता रहूं, महिमा के गीत प्रभु सबको सुनाता रहूं। आदि है तू, अंत है तू, अल्फा ओमेगा अनादि है तू। आदि है तू, अंत है तू, अल्फा ओमेगा प्रकृति है तू। रोशनी का खुदावंद है, हर आदमी का उद्धारक तू। तू रोशनी का खुदावंद है, हर आदमी का उद्धारक तू। तेरी आराधना हरदम गाता महिमा के गीत प्रभु सबको सुनाता रहूं। तेरी आराधना के गीत हरदम में गाता रहूं, तेरी महिमा के गीत प्रभु सबको सुनाता रहूं। Shweta, I request you to pray and offer this praise to God. थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ हमारे स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, खुदावंत परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम इकट्ठे नहीं हैं पिता प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आपके सामने पिता हम सब एक मन हो के आपके पास आते हैं यहोवा राजा, और इस सारी स्तुति और आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हमारे मनों की जो भी प्रार्थनाएँ हैं, बातें हैं परमेश्वर, जो भी हमने आराधना में आपसे करी है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं यीशु मसीह कि आप उसको सुनने वाले, हम जानते हैं पिता प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है पिता परमेश्वर। हम सब जितने भी लोगों ने इस वर्शिप को ज्वाइन किया है पिता परमेश्वर, उन सभी को याद करते हैं पिता, और ये सारी वर्शिप का टाइम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं, आप जीवित यहोवा परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। इस दुनिया में कोई नहीं जो आपसे ऊंचा हो, आपसे ऊपर हो पिता परमेश्वर। हम किसके सामने अपना सर झुकाएं पिता परमेश्वर, हम किसको ये स्तुति आराधना दें पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आप योग्य हैं मेरे परमेश्वर। इस सारी स्तुति के आराधना के योग्य सिर्फ आप हैं परमेश्वर प्रभु जी। ये पूरा समय परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आगे के टाइम को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, उसमें भी आपकी ब्लेसिंग को और आपकी प्रेजेंस को मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। इट वाज नाइस टू वर्शिप थ्रू म्यूजिक एंड थ्रू वीडियो, इट वाज स्टिल गुड। गॉड इज गुड इन एवरीवेयर, गॉड इज वर्दी ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, एंड सो
It was a good time, and now it's time for us to hear some announcements. And after that, we're going to hear God's word today. हम अभी कुछ सूचनाओं को हम सुनेंगे, अनाउंसमेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे. ओके, कलीसिया, आप सबको एक पांच सूचनाएं हैं मेरे पास देने के लिए. पहली सूचना सिर्फ मेरी तरफ से एक आग्रह है आप सबके लिए कि आप बाइबल अपने अपने घरों में रोज़ व्यक्तिगत रूप से ज़रूर पढ़ें. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब अटेंड करके बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, वचन में ऐसा नहीं हो पाएगा. आपको खुद को व्यक्तिगत रूप से बाइबल रोज़ पढ़नी है. तो आप में से जो लोग बाइबल अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो जहाँ से आपने बाइबल रीड करना बंद किया था, दोबारा से बाइबल को आप रीड करें, स्टडी करें. और अगर आपके कोई प्लान आपके पास नहीं है तो आप नए नियम में से आप मरकुस या आप लूका या यूहन्ना या कोई भी एक नए नियम की किताब आप उठा के उसको आप रोज़ प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और आपकी आत्मा आत्मिक खुराक खाती रहे. ज़रूरी है चर्च अपनी बाइबल को पढ़ें. और दूसरा, बुधवार को हम जूम पर प्रेयर मीटिंग करते हैं. बुधवार, अगर आपके फ़ोन में जूम ऐप नहीं है तो आप जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके ज़रिए से आप हमारी प्रार्थनाओं का हिस्सा बन सकते हैं, बुधवार को शाम को 7 बजे. तीसरा, हम बहुत जल्द अपने ऑनलाइन, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता या जब तक हमें इकट्ठा होने की इजाज़त सरकार से नहीं मिलती है, तब तक हम हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार हम बाइबल स्टडी करना चाहते हैं अपने अपने घरों में. तो ऑनलाइन इसको हम करेंगे. बहुत जल्द इसकी सूचना हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो YNS कनेक्ट ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर हम डाल देंगे. अगर आप YNS कनेक्ट में नहीं हैं और आप यीशु नाम सत्संग के हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप YNS कनेक्ट व्हाट्सएप चर्च ग्रुप में नहीं हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके ज़रूर बताएं और हम आपको ऐड कर देंगे. नंबर है 8826107775, 8826107775. इस पे कॉल करें और मुझे बताएं कि हमें ग्रुप में ऐड किया जाए और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे. लेकिन बहुत जल्द हम उस ग्रुप में सूचना देंगे कि हमारी हफ्ते में 2 या 3 बार होने वाली बाइबल स्टडी कब शुरू होगी, ताकि आप लोग उस YouTube के उस लिंक पर क्लिक करके आप बाइबल स्टडी का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि हम आधा घंटा पौना घंटा ही उसको करेंगे, लेकिन आप अपने अपने घरों में उसमें भाग ले सकते हैं. चौथा, प्रभु के घर में जो हम दान दशमांश भेंट चढ़ावा देते हैं, वो आजकल हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं. लेकिन मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपके हृदय से जो आप प्रभु के लिए हर हफ्ते देना चाहते हैं, आप उसे अपने घर में एक डब्बा लगा लें, एक बॉक्स लगा लीजिए, और उसके अंदर आप हर हफ्ते उसको डालते रहें और फिर निकालें नहीं, क्योंकि वो आपने परमेश्वर को दे दिया है. तो उस डब्बे को आप अलग से अपने घर में रख दें, और हर संडे आप जब सत्संग अटेंड करते हैं तो आपके परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से जो कुछ आपको डालना है उस डब्बे में आप डाल सकते हैं. और जब भी हम चर्च वापस मिलेंगे, आप उस डब्बे को ला करके आप चर्च में उसे दान कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं प्रभु को. तो लेकिन इसे अपने घर में फॉलो करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, और हम भेंट अपने अपने घरों में इकट्ठा करते रहेंगे. अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें, 8826107775. अगर आप ऑनलाइन बैंक में चर्च के खाते में डालना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुझसे पूछें और मैं आपको डिटेल्स दूंगा, ताकि आप चर्च में अपना दशमांश आप सीधे चर्च के अकाउंट में भी डाल सकते हैं. और अंतिम सूचना है, अगर आपको में से कोई है जिसको प्रार्थना चाहिए फ़ोन पर, अगर आपके पास आपके जीवन में कोई प्रार्थना का विषय है, तो आप हमें कॉल करें और हम आपके फ़ोन पर ज़रूर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे. तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे. और अभी हम मरकुस 1 खोलेंगे, नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय खोलेंगे, और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे. आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम सब प्रार्थना करें. प्यारे पिता, जो सच्चाई और जो खजाना और जो गहराई, जो ज्ञान आपके वचन में है, वो कहीं नहीं है. प्रभु, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमें प्रभु बहुत शांति चाहिए और आगे के लिए दिशा चाहिए. और प्रभु, संसार जबकि यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन हम आपके लोग आपके वचन में देखते हैं. प्रभु, आज जब आपका वचन बोला जाए तो प्रभु होने दे कि हम आपके वचन से अपने लिए एक संदेश पाएं,
आपकी आवाज़ को सुने, आपके करीब आए, आपके डर में जीने लगें और हमारा विश्वास बढ़े। आज के इस वचन के प्रभु जी बोले जाने पर तेरी आशीष हो, आज के वचन सुने जाने पर तेरी आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो आज हम मरकुस के सुसमाचार में से आज हम देखेंगे और ये हम कुछ संडे तक ये चलेगा, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में से परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से हम जानने की हम कोशिश करेंगे। जैसे आपने सुना होगा पिछले कुछ दिन पहले जब मैं कह रहा था कि मसीही जीवन परमेश्वर को जानने का एक जीवन है। हम बपतिस्मा लेने से प्रभु को पूरी तरह से नहीं जान लेते, हमें प्रभु को जानना है और ज़्यादा आगे आगे बढ़ते हमें उसको जानना है, जैसे पौलुस अपनी सब कलीसियाओं को पौलुस भी कहता है। तो इस प्रकार आज इसीलिए आज भी हम परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से पहचान पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ और उनकी और तारीफ़ कर पाएँ, उनकी और आराधना कर पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज हम मरकुस रचित सुसमाचार में से आज का वचन सुनेंगे। हम मरकुस एक आज देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और एक से लेकर 13 तक हम आज का वचन हम देखेंगे। तो आज मैं बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है? Why should we follow Jesus? हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलें? हम देखेंगे दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग आए हैं जिनके पीछे करोड़ों की संख्या उनके पीछे चली, बहुत बहुत लोग उनके फैंस हुए। और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के हर क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, ड्रामा हो, टेलीविज़न हो, यू नो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई एक बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती होती है और बहुत लोग उनके पीछे जाते हैं, बहुत लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनके फैंस बन जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये हर फील्ड में होता है, यहाँ तक कि धर्म जो फील्ड है इसके अंदर भी ऐसा होता है। बहुत बड़े बड़े पहुँचे दिग्गज लोग हैं जिनके पीछे बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। पर सवाल उठता है कि इतने सारे और अति प्रसिद्ध लोग हैं दुनिया में, उनको छोड़कर हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना है? Why should we follow Jesus? और आज के जो पहला खंड है मरकुस का, उसमें से हम ये देखेंगे 5 कारण हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है। उसका सबसे पहला कारण आप नीचे अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पहला कारण है प्रभु यीशु मसीह एक खोई हुई, दुविधा में पड़ी हुई, दुखों में पड़ी हुई और पाप में पड़ी हुई दुनिया के लिए खुशखबरी हैं। किसी भी इंसान को आज प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए और किसी का नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए, यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक खोई हुई, दुविधा में पड़ी हुई, दुखों में पड़ी हुई और पाप में पड़ी हुई दुनिया के लिए खुशखबरी बन के आए हैं। अब खुशखबरी तब होती है जब कोई दुख की खबर हम चारों तरफ देखने को मिलती है। गुड न्यूज़ हैज़ वैल्यू व्हेन देयर इज़ बैड न्यूज़। अच्छी खबर तब अच्छी खबर मानी जाती है जब हम किसी बुरी खबर के बीचों बीच पड़े हुए होते हैं। और बुरी खबर क्या है? अगर यीशु मसीह खुशखबरी है तो पहले बताओ कि दुख की खबर क्या है, दुख खबरी क्या है, बुरी खबर क्या है कि यीशु मसीह को हम खुशखबरी समझें, बुरी खबर क्या है? और आप मेरे साथ सब अग्री करेंगे कि जो बुरी खबर है वो हम सब के चारों तरफ है, ऐसा है कि नहीं? जो बुरी खबर है हमारे चारों तरफ है। बीमारी आज के जमाने में अगर हम देखें तो सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से बीमारी हमारे चारों तरफ है। और अगर हम बीमारी को छोड़ दें, बीमारी के अलावा और भौतिक रूप से आप देखेंगे, सांसारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आप क्या देखते हैं? लड़ाई, झगड़ा, बुरा मान जाना, दुख मनाना, हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अत्याचार करना, ये सब कुछ हम हमारे संसार में देखते हैं, यही है बुरी खबर। लेकिन ये तो भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से ये बुरी खबर है, लेकिन आत्मिक रूप से क्या बुरी खबर है? भौतिक रूप से, संसारिक रूप से हर तरफ मृत्यु है,
लेकिन आत्मिक रूप से हम क्या देखते हैं? आत्मिक रूप से आत्मिक मृत्यु, हर जगह मृत्यु है। हमारे आसपास बुरी खबर क्या है? मृत्यु, बुराई, अत्याचार, झूठ, फरेब, डर। और आत्मिक रूप से बुरी खबर है कि हर तरफ आत्मिक मृत्यु है। कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं, ये आत्मिक मृत्यु है। और इस मृत्यु के बीचों बीच या इस बुरी खबर के बीचों बीच एक ऐसे माहौल में जहां पे ये संसार गलता जा रहा था, प्रतिदिन गलते 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 जा रहा था, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह खुशखबरी के रूप में बैतलहम नामक नगर में एक खुशखबरी के रूप में एक बालक उत्पन्न हुआ। खुशखबरी के स्वयं, वो खुशखबरी लेकर नहीं आया, वो स्वयं खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह खुद खुशखबरी है। अब हम अगर देखेंगे तो मरकुस पहला अध्याय उसका पहला पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। सुसमाचार, अब ध्यान से सुनिए, सुसमाचार शब्द को गुड न्यूज भी कहते हैं, अच्छी खबर, खुशखबरी भी कहते हैं। द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी, जो खुशखबरी उसी को हम सुसमाचार भी कहते हैं। जो शब्द है गुड न्यूज, वही शब्द है गॉस्पल, जो उसका अर्थ है गॉस्पल, या गॉस्पल उसका अर्थ है गुड न्यूज, या सुसमाचार उसका अर्थ है खुशखबरी। लेकिन उसको हम गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा है यीशु मसीह, हमें मसीह शब्द को समझना है। मसीह शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है, मसीह शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है। तो यीशु मसीह, मसीह शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार एक इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में कहते हैं जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश में कहा जाता है यीशु क्रिस्त, हम यीशु मसीह भी कह सकते हैं, यीशु क्रिस्त भी कह सकते हैं। तो जो क्रिस्त शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है, लेकिन ये एक ही शब्द है, मसीह और क्रिस्त, मसीह और क्रिस्त एक ही शब्द है। और इस शब्द का अर्थ है द अनॉइंटेड वन, जिस पर परमेश्वर का अभिषेक हुआ हो, या परमेश्वर का अभिषिक्त। ये शब्द है यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त, इसका अर्थ है द अनॉइंटेड वन, जिस पर परमेश्वर का अभिषेक हुआ हो, परमेश्वर का अभिषिक्त। और उसका मतलब यह है परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक विशेष मनुष्य जो एक विशेष मिशन को, कार्य को पूरा करेगा। ध्यान से सुनिए, अभिषिक्त का मतलब है जिस पर परमेश्वर का अभिषेक हुआ हो, अर्थात परमेश्वर का चुना हुआ वो जन जिस पर परमेश्वर का अभिषेक हुआ है, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ या दिया हुआ मिशन का कार्य पूरा करेगा। तो यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा चुना गया है कि वो एक कार्य को पूरा करे। वो कार्य कौन सा है? मानव जाति के उद्धार का कार्य, मानव जाति के उद्धार का मिशन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहराया, चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह को आदेश दिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्लानिंग किया, प्रभु यीशु मसीह को ठहरा दिया कि संसार के उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह पूरा करे। जैसे मेरा नाम क्रिस्टोफर जोसेफ है, जोसेफ मेरा सर नेम है, या कुछ लोग मुझे जॉय गिल से जानते हैं, तो गिल मेरा सर नेम है। तो यीशु मसीह का सर नेम या यीशु मसीह का सेकंड नेम या सर नेम नहीं है क्रिस्त या मसीह, ये उनका दर्जा है, ये उनका नाम नहीं है, ये उनका दर्जा है। ये दर्शाता है कि वो कौन है। वो परमेश्वर का अभिषिक्त है जिसने परमेश्वर के द्वारा दिए हुए संसार के मुक्ति के कार्य को पूरा किया। यीशु मसीह का अनुसरण हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारे मुक्ति का काम उसने पूरा किया। यीशु मसीह का अनुसरण हमें इसलिए करना है क्योंकि वो इस खोए हुए, पाप में पड़े हुए, दुविधा में पड़े हुए संसार के लिए वो खुशखबरी बन के इस संसार में आया है। अगर हम दूसरी बात देखें तो हम ये देखते हैं कि दूसरा कारण हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो क्यों करना है, यीशु मसीह का अनुसरण हमें क्यों करना है। हमें यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करना है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये भी हम मरकुस 1:1 में देखते हैं, परमेश्वर के पुत्र। समझने की बात है, परमेश्वर के पुत्र ऐसा लिखा गया है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इसका 1:1 में लिखा है परमेश्वर का पुत्र, लेकिन हम 1:11 भी देख सकते हैं। 1:11 में लिखा है, तब स्वर्ग से यह आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं।
प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी सेवा का कार्य अर्थात प्रचार करना, चंगाइयां करना और अंत में अपने आप को बलिदान के लिए क्रूस पे दे देना, यह सारा काम शुरू अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब पानी में से बाहर आए तब स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से आवाज आई कबूतर के रूप में, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरते हुए दिखा और तब स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह कोई आम मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो मनुष्य बन करके आया लेकिन उसका पिता कौन है? स्वयं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता है। ही इज द सन ऑफ गॉड। और क्योंकि वो सन ऑफ गॉड है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बोलेगा पिता को सुनने के बाद ही बोलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जब वो इस संसार में थे उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ ना बोलता हूं ना कुछ करता हूं, मैं केवल वही करता हूं वही बोलता हूं जो मेरा पिता मुझे कहने के लिए कहता है या करने के लिए कहता है। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। वी कैन ट्रस्ट हिम। हम प्रभु यीशु मसीह को हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो करेगा परमेश्वर की अनुमति, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए करेगा। और इसलिए हम वी कैन ट्रस्ट गॉड, हम प्रभु ट्रस्ट जीसस, हम यीशु मसीह पे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को सुनना परमेश्वर को सुनना है, क्योंकि यीशु मसीह वही बोलता है जो पिता बोलता है, जो परमेश्वर बोलता है। हमें यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करना है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, अगर हम तीसरे पद में देखें, मैं शुरू से पढ़ूंगा एक का एक से लेकर, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। जैसा कि यशाया नबी ने लिखा है, देख मैं तेरे लिए आगे आगे अपना दूत भेजता हूं जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह के आने से पहले कोई आएगा जो यीशु मसीह के लिए रास्ता सीधा करेगा और यीशु मसीह के आने की घोषणा करेगा। और वो व्यक्ति कौन है? हम जानते हैं वो व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति था। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? भविष्यवाणी यह हुई थी, ध्यान से सुनिए, जंगल में पुकारने वाले की यह आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। सिर्फ ये नहीं लिखा, भविष्यवाणी ये नहीं हुई, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में केवल ये नहीं कहा कि वो यीशु का मार्ग सीधा करेगा, क्योंकि यीशु केवल उनका नाम था और यीशु तो बहुत लोगों का नाम था उस जमाने में। यीशु बहुत लोगों का नाम हुआ करता था। यीशु के नाम में यीशु फर्क क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह है, मुक्तिदाता है, बचाने वाला है। इसलिए ये नहीं लिखा कि यीशु का मार्ग सीधा करो, ये लिखा है प्रभु का मार्ग सीधा करो। तीसरा कारण, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। वी हैव टू फॉलो जीसस बिकॉज ही इज लॉर्ड। वो प्रभु है, यीशु प्रभु है, केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनकर के आया लेकिन वो प्रभु है, ही इज लॉर्ड। और यहां पे जो प्रभु का मतलब है उसका अर्थ है मालिक। यीशु मालिक है, यीशु मालिक है, यीशु प्रभु है, मतलब हर एक चीज का अधिकार उसके हाथ में है, हर एक चीज की परमिशन यीशु मसीह देता है, हर एक चीज का कंट्रोल उसके हाथ में है, हर एक चीज का नियंत्रण यीशु मसीह के हाथों में है। और यीशु मसीह प्रभु है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है परमेश्वर, एक का एक में लिखा है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। यहां पे लिखा है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। अगर आप 1:14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया। पहले लिखा है यीशु का सुसमाचार, फिर लिखा है परमेश्वर का सुसमाचार, मतलब यीशु और परमेश्वर एक ही है। ये समझने की, देखने की, नोट करने की बात है। यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं है, प्रभु है। प्रभु मतलब सब चीजों का मालिक, वही स्वयं परमेश्वर है। तीसरा, चौथा कारण, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण हमें क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है। यीशु मसीह का अनुसरण, यीशु मसीह को फॉलो क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है। यीशु मसीह संसार में हमारे पाप क्षमा करने के लिए ही आया।
आप सबको याद होगा जब यीशु मसीह क्रूस पे लटक रहे थे, तो जिन सिपाहियों ने, जिन लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, तो यीशु के मुंह से क्या निकला, क्या प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता इन्हें माफ कर। यीशु मसीह के दिल में है माफी, यीशु मसीह की इच्छा है माफी, यीशु मसीह का एजेंडा है माफी, यीशु मसीह का कार्य ही यही था कि वो हमें माफ करे। और अंतिम समय तक उन्होंने यही कहा, पिता इन्हें माफ कर। प्रभु यीशु मसीह संसार में पाप माफ करने के लिए ही आया। प्रेरितों के काम उसका 10:43 वचन में आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स 10वां अध्याय उसका 43 वचन इस प्रकार कहता है, तब सभी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, सब नबी उसी की साक्षी देते हैं। नबी मतलब पुराने नियम के बारे में लिखा हुआ है। सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करें क्योंकि वो पापों को क्षमा करता है। आप ध्यान से देखिए, लोग अपने पापों की माफी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। What all do people not do? लोग क्या कुछ नहीं करते अपने पापों की माफी पाने के लिए। इतिहास में हम देखते हैं कि किसी ने अपने, लोग अपने बच्चों को पानी में फेंक दिया करते थे क्योंकि उनको अपने पाप क्षमा करने हैं। हम ये भी देखते हैं इतिहास में, आज भी बहुत जगह पे ऐसा है, तो लोग अपने आप को, लोग तपस्या करते हैं, लोग अपने शरीर को दुख पहुंचाते हैं, अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं, अपने आप को कोड़ों से मारते हैं, कांच पे चलते हैं, आग पे चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, बोझ उठाकर चलते हैं, घुटनों पे चलते हैं। लोग क्या कुछ नहीं करते पापों की माफी पाने के लिए। फिर भी लोग ये नहीं, ये सच्चाई ये है कि हमारे कुछ भी करने से हमारे पाप क्षमा नहीं होते, तपस्या से पाप क्षमा नहीं होते, लहू बहाए जाने से पाप क्षमा होते हैं। और अगर पापी खुद अपना लहू बहाएगा तो उसके किस लाभ का। लेकिन यीशु का लहू क्योंकि शुद्ध है, उसने कभी पाप नहीं किया, यीशु के लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। वी नीड टू फॉलो जीसस, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, अनुसरण करना है, क्योंकि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह, जो तपस्या इंसान अपने ऊपर करता है, जो तपस्या या जो हानि इंसान अपने शरीर को पहुंचाता है, वो हानि यीशु ने अपने शरीर को खुद पहुंचाई, आपकी खातिर, मेरी खातिर, पूरे संसार की खातिर। यीशु मसीह ने खुद दुखों को उठाया, उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, वो लहू लुहान हुआ, उसका पूरा लहू सारा पानी बहा दिया गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। यीशु की तपस्या से, यीशु के बलिदान से, यीशु के कोड़े खाने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। और कोई तरीका नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई ग्रेटर कट नहीं है, कोई शॉर्टर कट नहीं है। ओनली जीसस, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। आखिरी बात, हमें यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना है। हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है क्योंकि वो हमें पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि वो हमें पवित्र आत्मा देता है। आइए मैं आपको वचन से इसके बारे में बताता हूं कि कहां लिखा है। मरकुस उसका 1:4 उसमें लिखा है, यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन का बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया। यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन का बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया, और यहूदिया का सारा प्रदेश और यरूशलेम के समस्त निवासी उसके पास आने और अपने पापों का अंगीकार करके यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। यहुन्ना तो ऊंट के रोए का वस्त्र पहना करता था और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा करता था और टिड्डियां तथा वन मधु काया करता था और ये कहते हुए प्रचार किया करता था, मेरे पश्चात, मतलब मेरे बाद एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य था कि वो प्रभु यीशु मसीह को के बारे में हमें बताए। यीशु मसीह का
इंट्रोडक्शन, यीशु मसीह की घोषणा करे वहां के लोगों को। और वो किन किन शब्दों से वो घोषणा करता है? वो ये कहता है कि मेरे बाद एक आएगा, आने वाला है जो मुझसे भी ज्यादा महान है। मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वचन, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुने। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि यीशु, मतलब मेरे बाद जो आएगा, मतलब यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई और बपतिस्मा नहीं दे सकता पवित्र आत्मा का, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई और पवित्र आत्मा उंडेल नहीं सकता। ये काम परमेश्वर का है, ये अधिकार परमेश्वर का है कि वो पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उंडेले। तो अगर यूहन्ना ये कह रहा है कि यीशु तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, इसका मतलब पवित्र आत्मा यूहन्ना को दिखा चुका है, आत्मा में उसको प्रकाशन मिल चुका है कि यीशु परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना भी जानता है अच्छे से कि परमेश्वर को छोड़ कोई और पवित्र आत्मा दे नहीं सकता। और यहां पर वो यीशु को कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, अर्थात यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल को पढ़ा करो, और आत्मा में होकर, आत्मा की मदद मांगकर आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल के पन्ने पन्ने पर आप यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया हुआ देखोगे। हर एक, इवन पुराने नियम में आप प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ये बहुत बड़ी बात है जो यूहन्ना ने कही, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, इसका मतलब परमेश्वर है वो, क्योंकि परमेश्वर ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है। सबूत दिखाता हूं आपको मैं, यशाया 43:3, यशाया 44:3, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल उंडेलूंगा तथा सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपना आत्मा और तेरे वंशजों पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मैं तेरे वंशजों पर क्या उंडेलूंगा? अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर के वचन है। आगे हम देखेंगे इजीकियल नबी, उसका 36 अध्याय हम सब देखेंगे, और 36 का 26 और 27 वचन। तो इसमें से कम 5-6 वचन है जो हम देख सकते, लेकिन मैं केवल आपको 2 वचन दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएं कि यह परमेश्वर के विषय में कहा गया है। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का दिल निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा, और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। 27 वचन ध्यान से देखिए, और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो पुराने नियम के अनुसार आत्मा कौन देता है, पवित्र आत्मा कौन देता है? पिता परमेश्वर देता है। यूहन्ना बपतिस्मा के अनुसार पवित्र आत्मा कौन देगा? यीशु मसीह देगा। अर्थात यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है, यीशु मसीह हमें आत्मा से भर देता है। और जैसा हमने इजीकियल नबी से सुना, क्यों देता है वो हमें आत्मा? ताकि हम उसके नियमों का पालन कर सकें, ताकि हम उसकी विधियों का पालन कर सकें, ताकि हम यीशु परमेश्वर को प्रेम कर सकें, ताकि हम वो कार्य कर सकें जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में रखा है। वो हमें इसलिए पवित्र आत्मा देता है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्नता पहुँचा सकें, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। भाइयों बहनों, हमें यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करना है क्योंकि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है। अब ध्यान से देखिए कि ये वचन यीशु मसीह पर ही लागू क्यों होते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए 14:16 यीशु मसीह कहता है, और मैं पिता से कहूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा मददगार देगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेगा। ये 14:16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन 16:7 में देखिए, यूहन्ना 16:7 में आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूहन्ना 16:7 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये तुम्हारे भले के लिए है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, जब तक मैं ना जाऊं मैं मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाता हूं तो मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा। यहां पर मददगार कौन है?
पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, यूहन्ना 14 के 16 में यीशु ने कहा पिता देगा, लेकिन 16 में यीशु मसीह ने कहा मैं दूंगा, मैं भेजूंगा। इससे फिर हम सीखते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जो अधिकार परमेश्वर के पास है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। फर्क सिर्फ इतना है, यीशु अपने पिता को महिमा देता है और पिता अपने बेटे को अधिकार देता है, लेकिन वो एक है। पवित्र आत्मा भी एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं। यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है? पवित्र आत्मा हमें तब मिलता है हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। आज आप पवित्र आत्मा को मत मांगिए, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसके उसके चलाए चलिए, उसकी आज्ञा को मानिए, उसकी आवाज़ को सुनिए। वो आपको जिन बातों की तरफ आपको आपका ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान लगाइए उन बातों पर जिन बातों पर पवित्र आत्मा अंदर से आपको आपको मूव करता है, आपको अंदर से चेताता है। पवित्र आत्मा के साथ मिलजुल कर काम करिए, पवित्र आत्मा के साथ मिलजुल कर कोऑपरेट कर अपने जीवन को सुधारिए और आगे बढ़िए प्रभु में। पवित्र आत्मा को मांगिए मत। हाँ, अपनी प्रार्थनाओं में अपने गीतों में हम कहते हैं पवित्र आत्मा आ जा, क्योंकि हम प्रेम दिखाते हैं पवित्र, लेकिन पवित्र आत्मा है हमारे अंदर और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हम मांग सकते हैं, और ज़्यादा पवित्र आत्मा की हम चलाए चल सकें, और ज़्यादा पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुन सकें, और ज़्यादा हमारे अंदर संसारिकता खत्म होती जाए और पवित्र आत्मा का काम हमारी ज़िंदगी में होता जाए। लेकिन यीशु मसीह को हमें अनुसरण करना है प्रिय भाइयों बहनों। 5 कारण कि हमें प्रभु हमें आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 5 कारण कि हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करना है। Why do we need to follow Jesus? क्यों हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है? Why should we follow Jesus? पहला कारण, यीशु मसीह इस खोए हुए, दुविधा में पड़े हुए, दुखों में पड़े हुए और पाप में पड़े हुए संसार के लिए खुशखबरी बन के आए हैं। यीशु मसीह खुशखबरी है। दूसरा कारण, वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा कारण, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो मालिक है। चौथा, वो पापों को क्षमा करता है, और पापों को क्षमा करने के लिए ही वो इस संसार में आया। और पांचवा कारण, वो हमें पवित्र आत्मा देता है जो कि हम पा चुके हैं। केवल हमें उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ना है, उस पवित्र आत्मा में और हमें बढ़ना है, उस पवित्र आत्मा के संग संग चलना है, केवल वही है। आज मैं आप सब लोगों को यही बस इनकरेज करना चाहता हूँ इस वचन में से, प्रभु यीशु मसीह के फैंस बन जाएं, किसी और व्यक्ति के नहीं, किसी प्रचारक के नहीं, खास तौर पे किसी प्रचारक के नहीं। बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रचारकों से उतना प्रेम ना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाएं, मुझे भी नहीं, किसी प्रचारक के पीछे ना पड़ जाएं, या किसी संसार की किसी ऐसी चीज़ के पीछे, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई बड़ा शिक्षक हो, कोई बड़ा धर्मगुरु हो, कोई बड़ा बाबा हो, इसके पीछे ना पड़ जाएं। हमारा संपर्क सीधे परमेश्वर से है, वो परमेश्वर आपके साथ संबंध रखना चाहता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया आज तक, तो आज फैसला लें, क्योंकि वो आपके पापों के लिए मारा गया और अपना जीवन, और अगर आप यीशु मसीह का को फॉलो करते हैं, आज अपना जीवन दोबारा से यीशु मसीह को दोबारा से आप समर्पित करें अपना जीवन, ताकि यीशु मसीह आप सचमुच आपके जीवन की अगुवाई कर सके। आप अपने सवालों का जवाब बहुत जगह पे ढूंढ रहे हैं, या आप खोए हुए हैं, या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या आप सुस्ती में पड़े हुए हैं, या आप संसारिकता में पड़े हुए हैं, और अधिकतर हम सब शायद पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन सुनने में आया था कि इटली में कुछ लोगों ने अपने पैसों को सड़क पे फेंक दिया। बहुत से लोगों ने अपने पैसों को पूरी सड़क पे फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार हमारे पास इतना पैसा है पर हम अपने आप को बचा नहीं सकते, 25,000 लोग हमारे देश में मर चुके हैं और हम अपने आप को बचा भी नहीं सकते, हमारा पैसा किस काम का, लोग अपने पैसों को फेंक रहे हैं। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, पर उनके पास शांति नहीं है और वो प्रभु को ढूंढ रहे हैं। वो मानते हैं कि पैसा उनके किसी काम नहीं आया,
वो ये भी मानते हैं कि शायद पैसा उनको प्रभु से दूर ले गया। अगर आप पैसों के पीछे पड़े हैं तो आज छोड़ दें, पैसों का ख्याल छोड़ दें। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, जब मैंने पैसों को त्याग दिया तब परमेश्वर ने हर ज़रूरत को पूरा किया। और जब मेरे पास आशा बिल्कुल कोई होप नहीं होता कहीं से कि कैसे ये मेरा ये खर्चा पूरा होगा, तब परमेश्वर आ जाता है और परमेश्वर वो खर्चा पूरा कर देते हैं। अभी 2 महीने पहले मेरे घर में 21,000 रुपये की कमी थी, बिल्कुल जितने पैसों की कमी थी अद्भुत ढंग से उतने ही पैसे प्रबंध किए परमेश्वर ने। किसी का मैसेज आया रात को 11 बजे आया कि हम आपको इतना पैसा गिफ्ट करना चाहते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि पैसों के पीछे मत भागें, पावर के पीछे मत भागें। लोग आपको पसंद करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको हमेशा आपको याद करें, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागें, क्योंकि आप नहीं हैं केंद्र दुनिया के। यीशु मसीह दुनिया का केंद्र है। यीशु को ही केंद्र बिंदु बनाएं, यीशु को ही अपना आधार बनाएं, यीशु को वो स्थान दें। बहुत बार हम यीशु का स्थान लेना चाहते हैं, हम राजा बनना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, हम इम्पॉर्टेंट फील होना चाहते हैं कि हम हैं इम्पॉर्टेंट, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हम वही पाप कर रहे हैं जो शैतान ने स्वर्ग में पाप किया था। जब वो शैतान नहीं था, जब वो स्वर्ग में था, जिस घड़ी उसने पाप किया ये उसका पाप था, ये शैतान का पाप था। परमेश्वर का स्थान लेना, महिमा पाना, तारीफ पाना, ये सब परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का अधिकार है। हम पाना चाहते तो हम शैतान वाला पाप करते हैं। इसलिए आज आप मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ एक बार फिर से कि अपने आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी उठाएं और प्रभु के करीब आ जाएं, प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बताएं। प्रभु है जो आपके जीवन को एक मीनिंग दे सकता है, एक अर्थ दे सकता है, एक उद्देश्य दे सकता है, एक जीने का उद्देश्य दे सकता है, आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने टिकाने को तैयार हैं, अपना माथा टिकाने को तैयार हैं। यीशु मसीह के सामने अगर आप रो रो कर कहने को तैयार हैं, प्रभु मेरे जीवन को ले ले और मेरे जीवन को इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, अगर आप तैयार हैं, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने को तैयार है। लेकिन सबसे पहले हमें खुद प्रभु के पास आना है, खुद अपने जीवन की सुधि लेनी है और प्रभु यीशु मसीह से दोबारा से हमें प्रेम करना है। ये ज़रूरी है। यीशु मसीह का अनुसरण करें, फॉलो जीसस एंड यू विल बी ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो तो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने में आप सबकी और मेरी मदद करें, आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो सत्य हमने आज आपके वचन से सीखे हैं कि आप खुशखबरी हैं, आप इस संसार के लिए एकमात्र आशा हैं, कि आप प्रभु हैं, आप पाप क्षमा करते हैं, आप मालिक हैं, आप पवित्र आत्मा देते हैं। प्रभु होने दे ये सत्य हमारे अंदर बैठ जाएं और हम तेरे करीब आ जाएं। प्रभु होने दे कि हम संसार की किसी चीज़ से प्रेम ना करें लेकिन हम तुझ से प्रेम करें। प्रभु आज का वचन जो लोग ईमानदारी से सुन रहे हैं, विश्वास से सुन रहे हैं, उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। So as we have learned today that our calling is not just to believe in Jesus, but to follow Jesus. हमारी जो बुलाहट है वो केवल प्रभु पर विश्वास करने की नहीं है, प्रभु का अनुसरण करने की, प्रभु के पीछे चलने की हमारी बुलाहट है। And let's remember this throughout the week, throughout our lives, that we are followers of Jesus, not just believers of Jesus. So let's close today's worship with this song, Yeshu ke piche main chalne laga. के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, मैं लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
छोड़कर सलीब को लेकर संसार को छोड़कर सलीब को लेकर संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा अगर मैं उसका इनकार न करूं अगर मैं उसका इनकार न करूं अगर मैं उसका इनकार न करूं ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा सर झुकाए और हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ आपके परिवारों में अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।